नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान इतुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के बारे में। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे कि इस साल क्या एडमिशन पॉलिसी है और किस प्रोसीजर के तहत एडमिशन होगा, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें, कितना फी लगेगा, कब इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, इंटरव्यू के आधार पर किन लोगों का होगा, किनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीवीटी देना होगा, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ ही साथ में दो बार नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी मेरी तरह यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर वन की पढ़ाई कराई जाएगी और साथ ही साथ पेपर टू के लिए भी आपको हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो गाइड किया जाएगा। साथ ही आपको मेरे खुद के बनाए गए नोट्स भी आपको मिलेंगे जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और इसके अलावा आपको इस चैनल पर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड न्यूज, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से संबंधित न्यूज भी मिलते रहेगा। अब हम चलते हैं आज इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2022-23 का। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं ये सारा दिया हुआ है कि किन किन डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा, इंटरनेशनल स्टडीज, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, सोशल साइंसेज, सेंटर फॉर सिस्टम मेडिसिन, सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, सेंटर फॉर ई लर्निंग, तो ये सारा डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। आपको इसका PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकोगे। तो ये एडमिशन नोटिस जारी किया गया है PhD, MTech, MPhil और MA, MSc के लिए और BA ऑनर्स के लिए। ठीक है, यहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका वाइवा वोस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं PhD के लिए जिनका नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है उनको एंट्रेंस देना होगा। नेट जीआरएफ यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है जीआरएफ, नेट नहीं। अगर आपका नेट है तो भी आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना ही होगा। JRF वाले एग्जाम्पटेड हैं इसके लिए, उनको उनका जो सिलेक्शन होगा टोटली 100% इंटरव्यू के बेस पे होगा, और जिनका JRF नहीं है या नेट भी नहीं है तो उनको CBT देना होगा। तो मेरे ओपिनियन में आपको ज़्यादा आसानी से एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट देने पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज 70% है और इंटरव्यू का मात्र 30% है। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर एंट्रेंस में अच्छा नंबर आप गेन कर लेते हैं तो आपको आसानी से एडमिशन PhD में मिल जाएगा। लेकिन JRF के केस में आपको टोटली इंटरव्यू पर डिपेंड रहना पड़ेगा और कोई नहीं जानता है कि उस दिन आपका डे कैसा हो। ठीक है, तो आप ट्राई करें, CBT मोड से ज़्यादा एडमिशन के चांसेस मिलेंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी आप अपने विवेक से फैसला लें। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे है एंट्रेंस के थ्रू जो सिलेक्शन चाहते हैं उनको एंट्रेंस में मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% लाना होगा। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स लाना होगा एंट्रेंस में साथियों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर है कि इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को या कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में 1 से लेकर 5 तक सीटें हैं तो 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी 25 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 6 से 10 के बीच में सीटें हैं तो 40 तक बुलाए जा सकते हैं, और 11 से ऊपर है तो 3 गुना बुलाए जाएंगे, जितना कैंडिडेट होंगे, सॉरी जितनी सीटें होंगी उसके 3 गुना अगर 11 से ऊपर है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे अगर किसी कैंडिडेट का एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो PG में जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। और एक चीज़ और साथियों बताना चाहूँगा, यहाँ पर JRF के लिए PhD करने के लिए एक अलग से फॉर्म निकलेगा, उसको आपको फिल करना है, और एंट्रेंस के लिए अलग से फॉर्म निकलेगा जिसके लिए आपको NTA के वेबसाइट पर जाके अपडेट लेते रहना होगा, नहीं तो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी। अब कुछ दिनों में ही आपका ऑनलाइन फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएगा, अभी उन्होंने ये एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है, 1 हफ्ते के अंदर आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का सारा प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स की भी बात की गई है। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल एडमिशन इन PhD प्रोग्राम अनलेस ही सिक्योर ए मिनिमम स्कोर ऑफ टोटल एग्रीगेट। अच्छा, इंटरव्यू और टेस्ट दोनों को मिलाकर आपको अगर आप जनरल और EWS से हैं तो 40% आएगा, तभी आपका नाम कट ऑफ में जा सकता है। ठीक है, अगर 40% से नीचे हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे, इससे पहले जो 50% बताया है वो सिर्फ रिटन टेस्ट का नंबर था, यहाँ पर आपको CVT और इंटरव्यू दोनों मिला के 40% मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। OBC से हैं तो 36, SC ST PWD से हैं तो 30% मार्क्स रहने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप
ध्यान रखें, इसीलिए हमने आज इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक चीज़ जो कि बहुत ही मायने रखता है जेएनयू के एडमिशन प्रक्रिया में, क्योंकि यह देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है रिसर्च करने के लिहाज से अगर हम देखें तो। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर का सपना होता है इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का। तो लगभग जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। आगे जैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट आता है आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। बस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे मां नितुला नेट जे आर एफ चैनल। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।